एक पेपर या फिर रफ कॉपी कुछ भी लेके बैठा करो, ठीक है? कि फटाफट अपन ने शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं वो आप लिख लो, और जब भी आपको जैसे अभी टेस्ट होंगे तो आपको उसमें हेल्प मिलेगा कि हाँ हमने ये समझा था उस टाइम, उस दिन ये वाली क्लास हुई थी, ठीक है? वीडियो पूरा खोल के देखना नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं हम एस्केवेशन की, ठीक है? पहली प्रोसेस है एस्केवेशन, मतलब खुदाई। खुदाई में क्या करते हैं हम, काउ बार्स पिक एक्सेस, या फिर अपने नॉर्मल लैंग्वेज में हम जो खुदाई करने के टूल्स आते हैं, खुदाई करने के उपकरण आते हैं, जैसे गेती हुई, फावड़ा हुआ, हम बेसिक सी बातें उसी से ज़्यादा खुदाई करते हैं। और भी बहुत सारे हैवी टूल्स आते होंगे हमारे, मजबूत वो आते होंगे, उपकरण आते होंगे जिससे हम क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, ठीक है? एस्केवेशन मतलब किसी भी टूल्स की मदद से या फिर गेती फावड़े की मदद से खुदाई करना, ठीक है? खुदाई करेंगे तो हमको चट्टाने मिल जाएगी, है ना? फिर उसको हम ले जा करके अपने अकॉर्डिंगली ड्रेसिंग कर देंगे, ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ हीट मतलब हीट का, उष्मा का प्रदान करना, ठीक है? उष्मा प्रोवाइड करना, ठीक है? समझ में आ रहा है? लिख लो फटाफट से क्या करना, एप्लीकेशन ऑफ हीट, हीट देना या उष्मा प्रदान करना। अब क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया कि जैसे लेयर्स वाली रॉक भी होती है, हमारी जो सेंटिमेंट्री रॉक होती है वो लेयर्स के फॉर्मेशन में रहती है, ठीक है? तो अब ये बात करी हमारी लेयर्स की, ये अपर लेयर है और ये लोअर लेयर है, ठीक है? ये हमारी लेयर्स की बात करी। तो एप्लीकेशन ऑफ हीट में क्या होता है कि हम इसके ऊपर, जैसे ये 3D डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये हम इसकी, ये अपर लेयर है और ये लोअर लेयर है, तो अपर लेयर के वहाँ पे क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमारी जो लकड़ियाँ रहती है वो जलती हुई बिछा देंगे इसमें, या फिर हमारे चारकोल या कोल या कोयले के थ्रू ये ऊपर वाली लेयर को हम गरम करेंगे। तो जैसे जैसे ये गरम होगी ना, देखो क्या होता है कि ये वाली गरम हो रही मगर ये गरम नहीं हो रही है, तो ये गरम होगी तो एक्सपांड होगी, ये अपनी जगह से क्या होगी, फैलेगी। तो फैलेगी तो ये नीचे वाली को छोड़ेगी, ठीक है? अगर आप किसी से टच होकर के बैठे हो तो आप सरकोगे तो आप उससे अलग ही हो गए ना। जैसे अगर इसकी बात करूँ तो ये अगर दो लेयर की बात, दो लेयर है, सपोज एक ये ऊपर वाली लेयर और ये नीचे वाली लेयर, ऊपर वाली लेयर को मैं यहाँ पे गरम जलता हुआ कोयला या फिर वुड प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये ऊपर वाली लेयर फैलेगी क्योंकि ये गरम हो रही है लगातार, और नीचे वाली पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जैसे जैसे ये फैलेगी ना, तो यहाँ से चटकना शुरू हो जाएगी, मतलब टूट करके अलग होने लगेगी, ठीक है? टूट करके अलग होने लगेगी तो हम ये ऊपर वाली को एज इट इज ले जा करके हम अपनी जगह स्टोर कर लेंगे, फिर वापिस ही फर्दर नीचे वाली लेयर मिली, फिर इसके नीचे लेयर होगी, फिर इसके नीचे लेयर होगी। तो ऐसे क्या लेयर्स में जो हमको अगर चट्टाने मिलती है, या जो चट्टाने हमारी लेयर्स में होती है जिसमें उष्मा से कॉन्ट्रेक्शन या फिर एक्सपांशन या फिर कॉन्ट्रेक्शन होता है, मतलब अगर टेम्परेचर का जिसमें प्रभाव पड़ रहा है, एक्सपांड हो रही है, फैल रही है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है, तो उससे क्या होता है, हमारी जो नीचे वाली लेयर रहती है उस पर वो प्रभाव डालती है या फोर्स डालती है। मानते हो कि नहीं मानते हो, सही बोल रही हूँ मैं, हाँ मैम, है ना? सुनाई दे रहा ना हाँ सबको, मैडम, ठीक है? तो क्या होता यस है, मैडम, दूसरा पॉइंट जो हमारा खुदाई का होता है, हम क्या करते हैं उस पर हीट का एप्लीकेशन करते हैं। हम या तो बर्निंग पाइल्स ऑफ वुड, जलती हुई लकड़ियाँ, या फिर हम उस पर हीट इफेक्ट देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो ऊपर वाली जो लेयर रहेगी उसमें क्या होगा, हमारा एक्सपांशन होगा। एक्सपांशन द अपर रॉक लेयर गेट सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर लेयर्स। जैसे जैसे एक्सपांशन होगा ना, तो वो नीचे वाली लेयर को छोड़ करके अलग हो जाएगी टूट करके, ठीक है? तो ये क्या हुई, खुदाई की हमारी एप्लीकेशन, सॉरी, खुदाई की हमारी प्रक्रिया, हमारी एप्लीकेशन ऑफ हीट, उष्मा प्रदान करना, ठीक है? आया समझ में गुज्जर? यस मैम, पहला पॉइंट आ गया खुदाई करना, दूसरा पॉइंट हमने लेयर को गर्म करके अलग कर दिया, ठीक है? अब ये मोस्टली हम ग्रेनाइट और जेनेसाइज की क्या बोलते हैं, रॉक में, रॉक को रिमूव करने के लिए हम इस मेथड को अपनाते हैं, ठीक है? नॉर्मली ग्रेनाइट और जेनेसाइज, ये उदाहरण के लिए बोल दिया कि इस तरह की अगर जेनेसाइज क्या चट्टान होता होगी। है? जेनेसाइज भी एक तरह का स्टोन होता है, मैं आपको गूगल करके बताती हूँ, एक सेकंड रुकना।
ये देखो दिख रहा है आपको, हाँ मैम, ये है हमारा जेनेसाइज, ऐसा रहता है ये, अलग अलग कलर अलग अलग टेक्सचर, ठीक है। अब इसमें देखो कैसे दिख रहा है, ये लेयर्स जैसा दिख रहा है, इसमें अलग कलर का दिख रहा है, इसमें अलग कलर का, तो मतलब कलर से हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझ रहे हो? मतलब कलर से हम उसकी प्रॉपर्टीज का पता नहीं लगाएंगे, प्रॉपर्टीज का पता उसके भारीपन से, उसके ठोसपन से और उसके वेट से पता लगाएंगे, ठीक है, कि उसका पर्टिकुलर कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक तरह की मेटामॉर्फिक रॉक है हमारी, ठीक है। मेटामॉर्फिक मतलब कायंतरित, ठीक है, जो या तो इग्नीशियस रॉक से हमारी आग्नेय चट्टानों से बनी होगी या फिर हमारी सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानों से बनी होगी। अब मैं बताती हूँ आपको ग्रेनाइट का, बैग्स की खासियत रहती है जेनेसाइज की, मतलब खराब नहीं होता है, क्या चीज़ खराब नहीं होते हैं जेनेसाइज, खराब नहीं होती, मतलब मतलब इस पर धूल मिट्टी नहीं लगती, ऐसा कुछ बताते हैं ये तो हम इसका यूजुअली है ना पूरा मंदिर उधर वंदिर यूज बनाते हैं। करते हैं, क्या बोलते हैं, किचन के टॉप वॉप में, ये ग्रेनाइट का भी हम वही यूज करते हैं। दिख रहा है ग्रेनाइट आपको, दिख रहा है? दिख रहा है मैम, देखो ये पॉलिश या फिर ये ड्रेसिंग वाला है, ड्रेसिंग मतलब हमने इसकी घिसाई कर दी, पॉलिश कर दी, उसके बाद ये ऐसा हो गया। बेसिक जो हमको ग्रेनाइट मिलता है, जैसे हमने उत्खनन करा तब हमको इस टाइप का मिलता है, ठीक है, आया समझ में? तो जेनेसाइज हुआ या ग्रेनाइट हुआ, तो हम इसको हीट प्रोवाइड करके निकालते हैं। वेजिंग पे देखो, वेजिंग क्या होती है, हमारी स्टील के वेजेस होते हैं और पिंस रहती है, मतलब जैसे इसी को समझ लो, ऐसे एक लंबी रॉड रहती है और उसमें कैसे रहते हैं, ऐसे खोदने वाले उपकरण लगे रहते हैं, तो ये क्या ऐसे घूमती जाती है। आपने ड्रिलिंग मशीन देखी है ना, वो जो दीवारों पे छेद बनाने के लिए ऐसे घूमती जाती है और यस उसमें मैम, से कचरा बाहर आता जाता है, तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, ऐसे वेज बनाते हैं। जैसे हमारी ये चट्टान है, तो हमने क्या करा, इसको ये तो ऐसे इरेगुलर है, अलग अलग है, मगर हमने क्या करा, ऐसे एक लाइन में एक छेद यहाँ करा, एक ड्रिल यहाँ करा, एक ड्रिल यहाँ करा, एक ड्रिल यहाँ करा, तो क्या हो गई, जो हमने ड्रिलिंग की प्रोसेस करी, वेज स्टील के वेज हमने घुसाना चालू करे, तो क्या हो गए, छेद हो गए, एक यहाँ पे छेद हो गए, एक यहाँ पे छेद हो गए, तो क्या हो गया, लगातार किसी भी चट्टान पे हम एक एक्सिस के थ्रू जब होल करते हैं या वेजिंग करते हैं, जिससे मटेरियल क्या निकल निकल के बाहर आता है, तो क्या होता है, ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट हो गया। मैंने आपको एक कागज का उदाहरण बताया था, अगर मैं कागज पे इसके पूरे अलोंग में एक छेद यहाँ, 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 ऐसे पूरे छेद कर दूंगी और दोनों साइड से ऐसे उसको फोर्स प्रोवाइड करूंगी, तो क्या होगा, इस पॉइंट से हमारा सीधा का सीधा कागज क्या होगा, फट जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, फाड़ने के पहले ऐसे कागज को करके ऐसे करते हैं, ताकि क्या हो गया, ये हमारा एक एक्सिस हो गया, जब हम फाड़ेंगे तो ये इस पॉइंट से, ये पॉइंट क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। क्रिटिकल मतलब जिस पॉइंट के अलोंग हमारा मटीरियल टूट जाए, ठीक है,
इसी पॉइंट के अलोंग होगा, क्योंकि जब मैं वेज घुसाऊंगी, हमारे स्टील के हमने उपकरण को इंसर्ट करके उसमें होल करा है, गड्ढे बनाए हैं, तो ये प्रोसेस होती है हमारी, कौन सी प्रोसेस होती है, ये वेजिंग की, काई की वेजिंग की, समझ में आया। इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, स्टील के वेज या पिन आर इन्फोर्स इनटू द रॉक टू द क्लोज डिस्टेंस अपार्ट बाय द हैमरिंग मेकिंग वर्टिकल होल्स। अब ये बोलते हैं कि जो हमारे स्टील के वेज या पिन होते हैं या होल्स होते हैं, उसको हम हैमर करते हैं, ठीक है। हैमर करेंगे तो अंदर वाइब्रेशन प्रोवाइड करेंगे, दूजने वाला काम होगा, तो दूजेंगे मतलब शेकिंग होगा, मूवमेंट मिलेगा, तो जिसके कारण क्या होती है, हमारी जो चट्टाने रेगती है वो तड़क जाती है, या उसमें क्या हो जाते हैं, क्रेक्स जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। द रॉक विल क्रेक अलोंग द लाइन ऑफ होल्स, ठीक है। क्या मतलब, आपने इस लाइन में अगर होल करे हैं तो इस लाइन के अलोंग क्या होगी, क्रॉक तिड़कन आ जाएगी, उसमें चटक जाएगी, रॉक क्रेक हुई, फिर उसमें क्या एक दो चीज और फंसाओ और थोड़े हथौड़े मारो तो ऐसा कैसा छिलपा उतर जाता है। देखा होगा ना आपने बहुत सारी चीज, अगर खुदाई करनी है या यस सीधी सीधी खोदनी है या टाइल्स भी खोदनी है, देखो ये मेरे टाइल्स है, ये लाइन दिख रही है आपको, यस मैम, है ना। अगर मैंने इस लाइन के अलोंग इसमें होल कर दिए, ठीक है, सीधे सीधे, तो ये लाइन कैसी होगी हमारी, क्रिटिकल हो गई। तो जब हम, मैं इसमें हैमर मारूंगी, हैमर मार के इसमें थोड़ा सा उचकाने के लिए कुछ चीज उपकंड फंसा दूंगी, तो क्या होगी, ये ऐसी की कैसी ये पूरी उखड़ जाएगी, निकल जाएगी। है ना। तो ये कौन सी प्रोसेस है हमारी, वेजिंग की। अब जब ये उखड़ गई तो ये ऊपर ऊपर की हमारे स्टोन मिल गया, हमको रॉक मिल गई, इसके अगली बारी भी हमको उखड़ना है, तो वापस हम वही प्रक्रिया करके इसको पूरा का पूरा उखाड़ लेंगे, इधर इधर होल करा फिर इधर वाली ऐसे ही निकल गई। तो ये वाली प्रोसेस क्या होती है हमारी, वेजिंग की होती है। कि वेजिंग में हम क्या करते हैं, स्टील के वेज, वेज मतलब यही समझो कि रॉड या फिर कुछ भी पीन बोल लो, कुछ भी चीज बोल सकते हो आप, बस ये वेजिंग याद रखना, ठीक है। स्टील के वेज एंड पीन्स आर इन्फोर्स्ड इनटू द रॉक, रॉक के अंदर हम इन्फोर्स करेंगे एक पर्टिकुलर फिक्स्ड डिस्टेंस पे, मतलब एक सीमित दूरी पर हम उसको क्या कर देंगे, होल कर देंगे, फिर क्या करेंगे, हैमर मारेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा वाइब्रेशंस होगा, वाइब्रेशन होंगे तो वो अलोंग द प्लेन क्या हो जाएंगे, तिड़कन आ जाएगी उसमें, ठीक है, तिड़कन आएगी, और फिर उसमें टूल्स डाल करके हम ऐसे निकाल देंगे। तो ये वाली प्रोसेस क्या हुई हमारी, वेजिंग। क्या आई आपको समझ में, यस मैम, ठीक है, कोई डाउट इसमें, आराम आराम से पढ़ाऊंगी, अगर नहीं समझ आता ना तो वहीं के वहीं रोक दिया करो आप लोग, ठीक है। अब अगली आते हैं हम, ब्लास्टिंग, ठीक है, गुर्जर समझना, ब्लास्टिंग मतलब काफी इजी, सबसे अच्छा तो आपको यही लगता होगा, जैसे आजकल तो बिल्डिंग तोड़ने में भी हम ब्लास्ट ब्लास्ट करते हैं, ठीक है। ब्लास्ट अभी उज्जैन में 1 साल हुआ होगा, 1 साल पहले एक शांति पैलेस होटल टूटा था, ठीक है, दो बड़े बड़े चार चार मंजिला होटल थे, वो अवैध पाया गया, केस वेस हुआ, उसके बाद क्या करा, उसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल लगा दिया गया, ठीक है, जो बम फोड़ने के लिए, मतलब जो ब्लास्ट करते हैं ना आतंकवादी या जो भी आरडीएक्स वगैरह जो भी चीज़ रहती है, ठीक है, मगर वो वैध तरीके से होती है, वो एक प्रोसेस है इसलिए यूज होती है, हम उसमें जान मान के हल ही नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, अगर एक होटल को तोड़ने भेजेंगे तो कैसे टूटेगी वो, मजदूर कितने लगाएंगे, कितना पैसा लगाएंगे, तो क्या होता है कि ये हमारी छत पे हमने क्या कर दिया, बेलास्ट फिट कर दिया पूरे, मतलब जैसे अगर ये मंजिला तोड़ना है तो इसकी छत पे मैं बेलास्ट फिक्स फिक्स कर दूंगी, फिर क्या करूंगी, उसको फ्यूज दे दूंगी, तो वो ऐसे कैसे ऑटोमेटिकली दो तीन, जैसे चलो 5 6 मंजिल है, तो मैं 2 मंजिल में या तो एक ग्राउंड फ्लोर पे लगाऊंगी और एक ऊपर के फ्लोर पे लगाऊंगी। ग्राउंड फ्लोर क्यों, क्योंकि अधिकतर लोड, अधिकतर पिल्लर और सारे हमारे बीम कॉलम नीचे से ही जब मजबूत बनेंगे तभी ऊपर का बिल्डिंग बनेगा, तो नीचे का तोड़ेंगे तो ऐसा कैसा बिल्डिंग अपनी जगह पे ही आकर के गिरेगा, ये बिल्डिंग रहेगा, इसके ये माले बने हुए हैं, ठीक है, एक माला, दो माला, तीन माला, तीन, तो ये इसकी मजबूती का नीचे से ही है ना, ऊपर से थोड़ी है, ऊपर से तो अगर उसमें ऐसा फोर्स लगता तो ये ओवरटर्न हो जाए, गिर के दूसरी बिल्डिंग पे गिर जाए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको ऐसा कैसा गिराना, तो हमारी जो पहला माले रहता है, बेसिक सी बात है, अगर हम ग्राउंड फ्लोर को वीक बना के उसको तोड़ेंगे तो ये ऐसा कैसा डाउनवर्ड गिरेगा,
ठीक है, यहाँ से तोड़ना चालू करेंगे तो इसको ही सालों लग जाएंगे इतनी बड़ी बिल्डिंग को तोड़ने में। तो क्या करते हैं हम, इसकी जो पहली मंजिल रहती है या जो भी उनके डिज़ाइन क्राइटेरिया वो निकालते हैं कि कहाँ पर एक्सप्लोजिव फिट करना, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम छत पे एक्सप्लोजिव लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ जो भी डिस्टेंस पे, इसका भी क्या एक वो होता है, हो गए सब लोग ज्वाइन, सबको मैसेज कर दो अगेन वापस से ज्वाइन हो जाए। हो गए ज्वाइन, ठीक है। तो क्या करते हैं हम इसमें एक्सप्लोजन फिट कर देते हैं, पहली मंजिल या दूसरी मंजिल। इसका भी है ना एक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होता है, तब हमको पता पड़ता है कि हमको कौन से माले पे और कितना एक्सप्लोजिव प्रोवाइड करना है। ठीक है, फिर जैसे ही ये उड़ता है या ये यहाँ से उड़ा, तो हमको करना है कि बिल्डिंग ऐसा का ऐसा गिरे ताकि पास वाले को भी दिक्कत नहीं हो, इधर वाले को भी दिक्कत नहीं हो, ऐसा नहीं गिराना हमको। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि सीधा का सीधा अपनी एक्सिस पे गिरे पूरा मटेरियल। हालांकि वो गिरने के बाद तो फैलेगा थोड़ा बहुत, मगर उससे इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये हम ब्लास्ट उसी स्थिति में करते हैं जब हमारी दो बिल्डिंग के बीच में, अगर पड़ोसी बिल्डिंग हमारी दूर बनी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिस्क फैक्टर हम लेके चलते हैं। रिस्क फैक्टर मतलब हो सकता है ये पास वाली बिल्डिंग के ऊपर भी बिल्डिंग गिर सकती है, तो जिससे क्या होगा पास वाली बिल्डिंग को भी नुकसान होगा। ठीक है, ऐसी भी जा सकती है, ऐसी भी आ सकती है। तो हम बिल्डिंग के चारों ओर जब सेफ्टी पॉइंट डिसाइड करेंगे तभी ब्लास्ट करेंगे हम किसी बिल्डिंग को तोड़ने के लिए, या किसी भी ब्रिज हुआ या कोई सा भी पुल हुआ या जो भी स्ट्रक्चर है हम उसको ब्लास्ट के थ्रू तोड़ते हैं। अब खदानों की बात करते हैं, खदानों में तो क्या रहता है कि सब जगह खदाने ही खदाने रहती है। ठीक है, तो खदानें रहती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि पास वाली भी तड़क रही है या टूट रही है, तो वो तो हमको उसमें भी उत्खनन करना ही है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे ब्लास्ट करना रहता है तो हम उसमें क्या करते हैं कि पहले तो बोर करते हैं, बोर मतलब होल्स। बोर करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें डायनामाइट, नाइट्रोजन सेल्यूलोज और या फिर गन कॉटन, ये सारे अलग अलग टाइप के हमारे एक्सप्लोजिव मटेरियल है। मतलब इस पे इससे क्या होता है, ब्लास्ट होता है। तो जो ये हम जितने भी होल्स रहते हैं ये हमने करे पहले चट्टानों में, ठीक है, उसके बाद इसमें मटेरियल फिल अप करा। मटेरियल फिल करने के बाद हमने क्या करा, उसमें सैंड या सॉइल फिल करी। सैंड या सॉइल क्यों फिल कर रहे, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये जलता जलता मतलब फूटता हुआ ही बाहर आके फूट जाए। ठीक है, फटाका देखा ना, कितनी बार फेल भी तो हो जाते हैं, कितनी बार फुस्सी भी रहते हैं। अरे रहते कि नहीं रहते, सुनाई दे रहा है सबको? तो क्या होता है कि हमारा मेन मोटो क्या रहता है, हम एक्सप्लोजिव मटेरियल के ऊपर भी हमारा कुछ मटेरियल फील कर देता है, जैसे मैंने बोला सैंड या क्ले फील कर देंगे, जिससे क्या रहे कि हमारा मटेरियल कम से कम अपनी जगह में घुसा हुआ रहे। जब वो फटे तो वो अंदर के अंदर ही फटे, क्योंकि वाइब्रेशंस तो वो अंदर देगा, तभी तो ये पूरा का पूरा फट के कैसा चूरा चूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसमें होल किया, फिर होल के बाद में क्या करते हैं, हमने एक्सप्लोजिव मटेरियल में डायनामाइट या नाइट्रोजन सेल्यूलोज, नाइट्रो सेल्यूलोज या फिर गन कॉटन इसमें फील किया। फील करने के बाद हमने क्या करा, इसमें सैंड या सॉइल का
वापिस से अगेन उसके ऊपर फिल करा, फिर उसका जो एक कॉपर ब्रास ब्रास वायर या फिर ब्रास बार या फिर कॉपर वायर या फिर जो भी उसमें जो जैसे बत्ती बोल लो फटाके की, ठीक है, ऐसे हमने एक फ्यूज़ बनाया। मतलब ये सारे बॉम्ब अगर या तो आपस में जॉइंट है या फिर इनके अलग अलग फ्यूज़ है, तो सब फ्यूज़ को हमने एक ही लाइन से जॉइंट करा, ठीक है। जॉइंट करेंगे तभी तो ब्लास्ट करेंगे, तब जा कर के ये फटेंगे, ठीक है। सब पूरा टाइम सेट रहता है, वो पूरे टेक्निकली वो पूरे मतलब ब्लास्टिंग या मैकेनिकल इंजीनियर या जो भी इंजीनियर रहते हैं वो ही पूरा सेटअप जमाते हैं, ठीक है। जब ये ब्लास्ट होंगे तो क्या होगा, ये हमारा जो चट्टान रहेगा पूरा बिखर के चूरा चूरा हो जाएगा, चूरा या फिर देखो हमारा सबसे कड़क मटेरियल है, सबसे हार्ड मटेरियल कौन सा माना जाता है, बेसाल्ट, है ना संजय, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो बेसाल्ट कैसी नेचर का रहता है, वो हार्ड रहता है, भारी भी रहता है। तो क्या आप उसको खोद करके निकाल सकते हो क्या, गेती फावड़े से? आप कितने गेती फावड़े मारोगे, नो मैम, है ना, कितने गेती फावड़े मारोगे, उस वो टूटेगा ही नहीं। क्या आप हीट उष्मा प्रोवाइड करके, आप उष्मा प्रोवाइड करके निकाल सकते हो, क्योंकि उस पर तो हीट का भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तभी तो हम उसको, है ना, रेलवे लाइन पे बिछाते हैं, ताकि उसमें तो उसको कड़के की गर्मी में पड़े रहना पड़ता है, मगर उसमें हीट का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो इससे भी अलग नहीं होगी। उसमें ड्रिलिंग भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चट्टाने या बहुत सारी कठोर चट्टाने कैसी रहती है कि हमारे क्या वो स्टील रॉड ही तोड़ के बाहर फेंक देती, तो क्रैक क्या होंगे, ठीक है। इसमें यही करा था ना हमने, एक लाइन के अलोंग में होल करके उसको चटका के ऐसा उखाड़ा था, ठीक है। तो इसमें ये भी काम नहीं करेगी, मतलब पहली प्रक्रिया फेल, दूसरी प्रक्रिया फेल, तीसरी प्रक्रिया फेल, चौथी कौन सी आई, सबसे मजबूत, कि क्या करा हमने, तो इसमें आर ब्लास्ट, डी एक्स और डायनामाइट और वो सब फील कर दिया। फिर हमने क्या करा, ब्लास्ट करा। तो ब्लास्ट करा तो ये पूरी चट्टाने कैसी हो गई, ब्लास्टिंग नेचर की हो गई, और चूरा चूरा हमको मिल गया। तो चूरा चूरा जो मिला, तो देखना बेटा बेलास्ट जो रहता है वो कहीं हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसी जगह चाहे हमको फ्लोर बनाना हो, चाहे किचन का टैप बनाना हो, क्योंकि इसका क्या था, हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी और भार सब कुछ भारी था। तो जब अगर जैसे ये मेरा टेबल है, ये टेबल क्या बेसिकली यहीं टिका हुआ है, ठीक है, इधर इधर तो जैसे ये पतला सा सपोर्ट है, और ये क्या दीवारों पे यहाँ से खील के थ्रू टिका होगा, है ना, मानते हो, एक यहाँ पे और एक ये हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे अगर हम किचन का भी टाप बनाते तो क्या ये इतना भारी थोड़ी बनाएंगे। इसका तो देखो डेंसिटी बहुत हल्का है, ये वुड है, ठीक है, टिम्बर है, ये इस प्लाईवुड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अगर हम बेलास्ट का या कोई भारी मटेरियल जो गेती फावड़े से भी नहीं टूट रहा है, स्टील से भी नहीं टूट रहा है, तो उसको हम ऐसी जगह तो लगाएंगे नहीं, या साबुत का साबुत हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हम उसको कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ बहुत हैवी मटेरियल बनता है, कॉन्क्रीट के मिक्स करके, चाहे गिट्टी बोल लो, गिट्टी भी एक प्रकार का बेलास्ट का हमारा रूप होता है, ठीक है। लाइम स्टोन, ये किचन के टाप वाप सब नाजुक रहते हैं, ठीक है। किचन के टाप तो ऐसे रहते हैं, मतलब सिर्फ बहुत नॉमिनल वजन झेलते हैं वो लोग, और इन पे जैसे हमारी जो रेल हुई या फिर ब्रिज हुआ, ठीक है, हमारा जो डैम हुआ, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ ये साबुत के साबुत यूज़ होता है, ये टुकड़ों में यूज़ होता है, ठीक है। मतलब इसको कॉन्क्रीट बनाएंगे या फिर ग्रेवल के जो मटेरियल रहेंगे रोड बनाने में यूज़ होता है। तो रोड रहता है, तो रोड पे कैसा बहुत सारे मूविंग लोड रहते हैं, आप मिलिट्री विलिट्री का हैवी लोड रहता है, जैसे मिलिट्री की गाड़ियाँ रहती है, ट्रक रहते हैं, जो सियाचिन में बड़े बड़े ट्रक चलते देखे ही होंगे ना, और वो जो वो जिससे वो गोले छोड़ते हैं वो वाली मशीन, वो मिलिट्री की रहती है। तो हम क्या मानते हैं कि जब हमारा रोड डिज़ाइन करते हैं ना, तो अलग अलग टाइप के लोड लेते हैं। रोड डिज़ाइन मतलब रोड भी एक डिज़ाइन होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद संजय को बताया था कि अलग अलग स्पीड के हिसाब से रोड बनते हैं, ठीक है। तो जो स्पीड के हिसाब से बनते हैं, अलग अलग लोड के हिसाब से बनते हैं, तो सबसे जो हेवी A1 करके एक लोड होता है, तो वो का किस गाड़ियों का माना जाता है, हमारी मिलिट्री गाड़ियों का माना जाता है, ठीक है। बहुत टन्स में होता है वो, आपकी ये ट्रैक्टर, टैंकर, ट्रक और ये सब जो भी मालगाड़ी वाड़ी रहती है, ये तो हल्के ही रहते हैं, ठीक है। तो जो रोड डिज़ाइन होते हैं, या तो फिर हम अलग अलग लोड लेते हैं, एक लोड को हम हेवी लोड में रखते हैं, एक मिलिट्री लोड में रखते हैं जो सबसे हेवी रहते हैं, तो उसके लिए अलग टाइप के लोड बनते हैं, मतलब रोड बनते हैं, सॉरी। फिर एक अलग हेवी लोड लेते हैं जिसमें ट्रक और जो लोडिंग गाड़ियाँ रहती है। फिर नॉर्मल हम अपने जो ये डम्पर वम्पर, ये दूसरे नंबर के लोड रहते हैं, ठीक है, मतलब हेवी हेवी गाड़ियाँ रहती है ना। फिर अगली आती है हमारी फोर व्हीलर,
वो नॉर्मल रहती, फिर आती हमारी टू व्हीलर, और साइकिल वाला तो नेग्लिजिबल ही कहलाता है। तो ये अलग अलग टाइप के लोड के लिए हमारे रोड डिज़ाइन रहते हैं। तो रोड के ऊपर भी हमारा लिखा हुआ रहता है, देखा ना आपने, नॉर्मल रोड पे आप टैंकर, सॉरी ये जो हमारे ट्रक या लोडिंग गाड़ियाँ नहीं घुसती ना मेन सिटी में, इनके लिए बाईपास बनते हैं, ठीक है। बाईपास बनते हैं तो उसमें क्या होता है, ये अलग से ही क्या होता है, हैवी लोड की गाड़ी रहती है तो बाईपास हमारी सिटी से होकर नहीं जाए, ठीक है। अगर वो चली जाएगी तो हमारे रोड को भी नुकसान है ना, डैमेज होगा, रोड भी डैमेज होगा, क्योंकि वो उतने लोड के लिए बना ही नहीं है, मान रहे हो। इसलिए क्या होता है कि चालान वालान काटते हैं और उन सब का क्या करते हैं, कट्टे मतलब वो रसीद काट देते हैं। तो बात जो होती है, जो हमारे रोड पे बनते हैं वो भी हैवी मटेरियल के बनते हैं, ठीक है। हमारे जो डैम बनते हैं वो भी हैवी मटेरियल के बनते हैं, ठीक है। और हमारे जो बेलास्ट होता है वो मतलब हैवी मटेरियल होता है। ये हमारे किचन के टाप वाप फ्लोरिंग व्लोरिंग इसमें यूज़ नहीं करेंगे। इसमें क्यों यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो घर बन रहा है उसमें इतना लोड आना ही नहीं है ना, लोड आएगा ही नहीं। किचन के टॉप में तो और नहीं आएगा, हमारे फ्लोर पे तो और नहीं आएगा, क्योंकि सारा लोड हम कैसे बनाते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक फ्रेम स्ट्रक्चर अभी के लिए सुन लो, फ्रेम स्ट्रक्चर मतलब बीम कॉलम स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं। सारा लोड जो रहता है हमारी जो बिल्डिंग का, क्या होता है कि ये अलग अलग अगर फ्लोर बने हुए हैं, एक सेकेंड रुकना, दिख रहा है आपको, दिख रहा है। है ना, ये अलग अलग ये क्या बनी है, छतें बनी है, ठीक है। इसके नीचे ये मान लेना कि हमारी मिट्टी है, ये यहाँ से खुदाई चालू थी, ठीक है। यहाँ पे क्या बने हमारे, वो बना है फाउंडेशन, ठीक है। यहाँ पे भी ये हमारा फाउंडेशन है, ये हमारे कॉलम हुए, ये इसके नीचे बीम, बीम के ऊपर टिकी हुई है ये हमारी छत, फिर ये कॉलम कंटिन्यू हुआ, फिर ये हमारा बीम, बीम के ऊपर छत डली हुई है, फिर ये कॉलम, फिर ये बीम, बीम के ऊपर छत डली, फिर ये कॉलम, ये बीम, और फिर ये छत डली, और ये आपकी पैरापेट वाली वॉल आ गई, ये गच्ची आ गई, और यहाँ पे आप खड़े हो गए, ठीक है। तो बेसिक क्या थी, हमने इनकी दीवारें नहीं बनाई, यहाँ पे ईंट की दीवारें नहीं बनी हुई है, ठीक है। हमारा जो लोड आ रहा है ना, जैसे ये छत का लोड इस वाली स्लैब पे आ रहा है, स्लैब मतलब जो छत है, छत ने कहाँ ट्रांसफर करा, छत काई के ऊपर टिकी हुई है हमारे बीम के ऊपर, ठीक है। टोटल लोड इस पे आया, बीम ने कहाँ ट्रांसफर करा, आधा लोड इस पे, आधा लोड इस पे, ठीक है। ये वाला कॉलम यहाँ ट्रांसफर करेगा ये एक्सिस के थ्रू, ठीक है। दूसरे वाले का लोड आया तो वो भी इसमें ट्रांसफर हुआ, ये भी इसमें ट्रांसफर हुआ, तो जो हमारा लोड ट्रांसफर होता है वो ऐसे होता है, फिर अगेन हमारा ऐसे हुआ, फिर नीचे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो ये क्या हो गया, फ्रेम स्ट्रक्चर है। इसमें दीवारों पर, खिड़की दरवाजों पर कोई लोड नहीं आ रहा है, सीधे क्या, बीम कॉलम, बीम कॉलम, बीम कॉलम, और आखिरी में हमारी जो जमीन के नीचे जो नींव बनी है उस पर लोड आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। फ्रेम स्ट्रक्चर मतलब इसकी टाइल्स वाइल्स या इस पे अंदर क्या बनाया तुमने, किचन विचन का टाप, इस सब से हमको कोई मतलब नहीं होता, इस पे कोई लोड नहीं आता है। मेन लोड क्या होता है, हमारे कॉलम और बीम कैरी करके नीचे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ये वाला मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि ये ऊपर वाला कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है, हमारा सुपर स्ट्रक्चर। धरती के नीचे वाला कौन सा स्ट्रक्चर कहला रहा है, हमारा सब स्ट्रक्चर। तो ठीक है, ये लोड जो है ना हमारा फ्रेम के थ्रू ट्रांसफर होता है, मतलब ये ऐसा आया, ऐसा आया, फिर ये वाला अगेन ऐसा आया, तो ये इतना सारा लोड हमारा बेसिकली कहाँ आया, ग्राउंड पे आया। तो मैं वही बता रही थी कि आपका जो मेन लोड जो कैरी करते हैं ये हमारे जमीन के अंदर की नींव होती है, फिर ये नींव के नीचे तो क्या है, ये मिट्टी है, मिट्टी है। तो सोचो मिट्टी कितना लोड उठाती है, पूरी धरती का लोड उठाती है। तो सबसे पहली प्रक्रिया तो मैं यहीं से बनाना चालू करूंगी ना, छत से थोड़ी ना नीचे तक बनाऊंगी, नीचे से बनाना चालू करूंगी। तो नीचे से हम क्या कर, पहले मिट्टी का एग्जामिन करते हैं कि मिट्टी किस प्रकार की है, कैसी है, कितना मोटा हमको ये बनाना पड़ेगा। अब ये जो हमारी वो है ना, क्या बोलते हैं इसको, नीव, जो भी मैंने कॉल वो बनाया आपका फाउंडेशन, तो ये कैसे लोड ट्रांसफर करते हैं। जैसे हमारा फाउंडेशन अभी इतना इतना था, ऐसा ये फाउंडेशन होता है,